हेलो एवरीवन, रशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। रशिया यूक्रेन वॉर के साथ ही बहुत से देश अपनी अपनी तरफ से साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, नीदरलैंड। तो कई सारे लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि रशिया यूक्रेन में सही कौन है। सही गलत कुछ नहीं होता है, जो जिसका हित होता है वही सही होता है और दूसरा वाला गलत होता है। अब रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है, जो रशिया को गलत लग रहा है, क्योंकि अगर नाटो का हिस्सा यूक्रेन बनेगा तो अमेरिका राज करेगा। नाटो का फॉर्मेशन ही रशिया को दबाने के लिए हुआ था। ऑलरेडी सोवियत यूनियन के दो देश उसने शामिल कर रखे हैं, जो कि गलत है। तो रशिया अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहा है। अब बात करते हैं यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू की। तो यूक्रेन रशिया के डोमिनेंस से निकलना चाहता है, उसे अमेरिका ने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब अमेरिका बैकफायर कर गया है। अमेरिका ये कह रहा है कि तुम्हारी लड़ाई है, हम क्यों लड़े, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर सपोर्ट करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। वैसे भी तुम अभी नाटो में शामिल नहीं हुए हो। तो ये कहानी थी इन दोनों देशों की। अब बात करते हैं नाटो है क्या। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बना था 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशन द्वारा, ताकि एक सामूहिक सुरक्षा हो सके सोवियत यूनियन से। लेकिन ये वॉर अब बहुत भयावह रूप ले रहा है। इसी के साथ आगाज हो रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। आप सभी का क्या कहना है इन दोनों देशों के बारे में, कौन सही कौन गलत, कमेंट मी डाउन। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी फॉलो करें।